स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अल्काइन्स के प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अल्काइन्स को बनाने का सबसे पहला मेथड होता है कैल्शियम कार्बाइड से अल्काइन्स की प्रिपरेशन। इस मेथड से हम इथाइन को इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड को किस तरह से बनाते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड को बनाने के लिए हम लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। फिर यहाँ से मिले कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कहें क्विक लाइम को कोक के साथ हीट करके हम कैल्शियम कार्बाइड बनाते हैं। इसमें कार्बन कार्बाइड आयन के फॉर्म में होता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। फिर हम इस कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस करने पर कार्बाइड आयन्स वाटर मॉलिक्यूल से H+ आयन को रिमूव करके इथाइन फॉर्म कर देते हैं। तो इस तरह से हम कैल्शियम कार्बाइड का यूज करके अल्काइन ग्रुप का सबसे पहला मेंबर यानी इथाइन बनाते हैं। अल्काइन्स को बनाने का एक और मेथड होता है अल्काइन्स की विसिनल डाई हैलाइड से प्रिपरेशन। विसिनल डाई हैलाइड यानी ऐसे डाई हैलाइड्स जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर हैलोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम इस विसिनल डाई हैलाइड की रिएक्शन पहले अल्कोहलिक KOH के साथ करें और उसके बाद इसे हम सोडामाइड से ट्रीट करते हैं, तो ये हमें अल्काइन्स एज ए प्रोडक्ट दे देते हैं। यह रिएक्शन अल्कीन्स के डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन की तरह ही होती है। तो चलिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को देख लेते हैं। तो सबसे पहले विसिनल डाई हैलाइड पर अल्कोहलिक KOH अटैक करता है और वहां से H+ आयन को रिमूव करता है, जिसके कारण बीटा एलिमिनेशन होता है और हमें विनाइल हैलाइड मिलता है। सिंस विनाइल हैलाइड्स में हैलोजन एटम और पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस होता है, इसलिए अब यहां से एलिमिनेशन करा पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए यहां से वापस डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराने के लिए हम और भी स्ट्रॉन्गर बेस यानी सोडामाइड का यूज करते हैं। तो यहां पर सोडामाइड विनाइल हैलाइड से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करता है और यहाँ पर फिर से बीटा एलिमिनेशन होता है और हमें फाइनली अल्काइन एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 1,2 डाइब्रोमो इथेन को अल्कोहलिक KOH और NaNH2 के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें इथाइन एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है।